दोस्तों, संगीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 सामग्रियों से आइसक्रीम। तो सबसे पहले हम व्हिपिंग क्रीम लिए हैं। व्हिपिंग क्रीम का डब्बा ये 400 ग्राम का है, इसमें से हम 200 ग्राम ही यूज करेंगे। और ये 60 ग्राम है कंडेंस मिल्क, और ये कोकोआ पाउडर 20 ग्राम है। सबसे पहले व्हिपिंग क्रीम को हम व्हिट कर लेते हैं। अब हमारा व्हिपिंग क्रीम बीट हो गया है। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क डाल दे रही हूँ। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमारा व्हिपिंग क्रीम पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं चॉकलेट पाउडर डाल दे रही हूँ। चॉकलेट पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब देखिए, अच्छी तरह से चॉकलेट पाउडर भी मिक्स हो गया है। अब इसको मैं कंटेनर में डाल दे रही हूँ। अब इसे मैं प्लास्टिक से ढक दे रही हूँ। हम इसको इस तरह से अच्छी तरह से इसको ढक देंगे। चारों तरफ से इस तरह से आपको चिपका देना है इसमें। इसको जो पोलोथीन लगाए हैं हम, इसको अच्छा से मिक्सर के साथ चिपका के रखना है। अब इसको ढक्कन लगा दे रहे हैं और इसे 6 से 7 घंटा तक फ्रीजर में बंद करके रख देना है। अब देखिए, आइसक्रीम बनके तैयार हो गया है। मैं इसे पूरे रात फ्रीजर में बंद करके रख दी हूँ। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और क्रीमी बना है। अब इसे मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये तैयार हो गया है। इसे मैं चॉकलेट सिरप से सजा दी हूँ। आप चाहे तो बिना सजाए हुए भी खा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें।